हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, आयोग ने फाइनली यहाँ पर जो है डेट घोषित कर दी गई है एग्ज़ाम को लेकर। और अभी तक जो प्रस्तावित डेट थी एग्ज़ाम, आपके पता था कि जून से स्टार्ट होने हैं लेकिन इसकी डेट जारी नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर आयोग ने योग्यता परीक्षा की ओर से डेट फिक्स्ड कर दी गई है इसका, जो है कब से स्टार्ट होना है। साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर जो है प्रयोगशाला सहायक है, पर्यवेक्षक है, हेड कांस्टेबल पुलिस का है, फर्स्ट गार्ड के हैं। और आप जो है यहाँ पर तैयारी कर लो क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी आपका जल्दी होने वाला है। और परीक्षा कौन सी कब आपकी होनी है सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और लगभग जो है आयोग ने डेट फिक्स कर ली गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिसूचना जो कि आप लोग यहाँ पर आज ही 21 मई को यहाँ पर जारी किया गया है। और इसमें सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पर वाहन चालक है, कर्मशाला अनुदेशक है, मत्स्य निरीक्षक की पोस्ट है जो कि हाल ही में जनवरी में निकाली गई थी आपकी पोस्ट है, उनका यहाँ पर जो है सबसे पहले आपका जो है एग्ज़ाम होना है। और इसके लिए लिखित परीक्षाएं जो है प्रस्तावित कर रखी है, ठीक है, निर्धारित तो नहीं कर रखी फिलहाल लेकिन प्रस्तावित हैं। और मांग के चले कि यहाँ पर 12 को होना ही होना है समझ लीजिए, क्योंकि प्रस्तावित रखा गया है, चेंज भी हो सकते हैं, इसीलिए जो है आयोग ने यहाँ पर निर्धारित नहीं कर रखा है। फिलहाल जो है प्रस्तावित कर रखा है 12 जून को, हो सकता है कि आपका 12 जून को कन्फर्म हो जाए, ठीक है, इसकी निर्धारित डेट बाद में कन्फर्म कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप तैयारी कर लो, 12 तारीख को एग्जाम होना है इन सभी का। और इसको लेकर जो है आयोग ने बताया गया है कि ऑनलाइन में आवेदन जिन लोगों ने भर रखा था अगर उसमें कोई त्रुटि है तो आप यहाँ पर 21 मई यानी कि आज से लेकर 26 मई तक जो है आप अपना आवेदन में जो है चेंजेस कर लें। और जहाँ पर आपने माता पिता, डेट ऑफ बर्थ, आरक्षण जो भी आप संशोधन करना चाहते हैं वो आपका संशोधन यहाँ पर कर दिया जाएगा। और परीक्षा केंद्र का जो है संशोधन यहाँ पर जो है वो अनुमान्य आपका नहीं होगा, परीक्षा केंद्र चेंज नहीं होगा। और बाकी आप जो है चेंज कर सकते हो। और इसके लिए यहाँ पर OTR लॉगिन करना पड़ेगा आपको, OTR में जो है एडिट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आपको यहाँ पर 30 रुपये का शुल्क जमा करने के बाद आपको यहाँ पर जो है संशोधन करने का मौका मिलेगा। बिना 30 रुपये शुल्क के आपका कोई भी यहाँ पर जो है चेंजेस नहीं होगा, आयोग ने यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। जो अभ्यर्थी यहाँ जो आरक्षण श्रेणी बदलना चाहते हैं उन्हें जो है यहाँ पर सामान्य श्रेणी परिवर्तन पर सामान्य श्रेणी का जो है शुल्क अदा करना होगा। यानी कि आप लोग कोई OBC में हैं, अब चाहते हैं कि वो सामान्य में आ रहे थे लेकिन यहाँ पर गलती से OBC हो गया है, सॉरी मान लो OBC में तो सेम ही होगा चार्ज, मान लो EWS में थे अभ्यर्थी लेकिन अब वो आपके जनरल में आ रहे हैं, ठीक है, उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रखा EWS का, तो आप लोग जो है शुल्क वही लगेगा आपका, जो जनरल का लगेगा वो आपका फीस कट जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर संशोधन कर दिया जाएगा, तो आयोग ने कहा गया है। और लगभग जो है आपकी यहाँ पर जो है फिक्स्ड ही कर दिया गया है एग्ज़ाम की तिथि जो कि 12 जून को है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपके आगे की जो एग्ज़ाम्स होंगे, ये प्रस्तावित डेट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जून में आपकी 3 परीक्षाएं होनी है जो कि आपका डेट जारी हो चुकी है। उसके बाद आपका यहाँ पर मानचित्रकार की पोस्ट है जो कि जुलाई में प्रस्तावित है, और यहाँ पर वन आरक्षक की यानी कि आपका फर्स्ट गार्ड की पुलिस का है, ठीक है, फर्स्ट गार्ड का भी है, पुलिस का भी है, ठीक है, पुलिस का आपका हेड कांस्टेबल का है, जुलाई में आपकी 3 परीक्षा होंगी। उसके बाद पर्यावरण पर्यवेक्षक का आपका जो सहायक विकास अधिकारी है और राजकीय जो पर्यवेक्षक के हैं उनका यहाँ पर अगस्त में होना है। उसके बाद गन्ना पर्यवेक्षक का है और प्रयोगशाला सहायक यानी कि आपका लेबर असिस्टेंट वाला यहाँ पर आपका अगस्त में रखा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा पूरा डेट यहाँ पर जारी, मतलब कि मंथ जारी कर रखे हैं, डेट इसका प्रस्तावित होना बाकी है। जैसे ही आपका यहाँ पर जून वाले को जो प्रस्तावित डेट जारी कर दी गई है उसी तरह का आपका यहाँ पर जो है फिक्स्ड है, यानी कि योग्यता परीक्षा जो है लगभग सारी जो प्रस्तावित तिथियाँ दे रखी हैं उनमें जो है आपकी एग्जाम कराने वाले हैं। तो आप लोग जो है तैयारी में लगे रहे हैं, आपके पास अच्छा खासा मौका है, अभी टाइम है 2-3 महीने और आप लोग अच्छे से पढ़िए और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा।